अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। 24 तारीख के दिन फरवरी 24 को सुबह के टाइम पे अपना एनपीए पार होने के बाद बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर की बॉर्डर पे एक बस को रोक के एक रॉबरी करे। ये रॉबरी में शिव कुमार से 10 लाख रुपए खींच के लोग चले गए थे। ये मिर्ची पाउडर भी मारे उसके ऊपर। वो लोग वो पैसे लेके भाग गए। ये केस में यही सिलसिला में हम इमीडिएटली जो उसका ग्रेविटी को देखे डे लाइट में ऐसा हुआ बोल के इमीडिएट हम स्पेशल ऑपरेशन टीम और CCS टीम हैदराबाद हमारे लोकल पुलिस से श्री स्टीफन रविंद्र IPS कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हुकुम पे सब लोग एक टीम बन के बेहतरीन काम करें। विद इन नो टाइम में ये केस को डिटेक्ट करने में कामयाब हुए। ये केस के बारे में अगर ये जो शिव कुमार है नारायणपुर में अपना नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट जो है महबूबनगर जिला पुराना उधर एक गोल्ड स्मिथ बिजनेस करता है। शॉप में वो सुबह के टाइम पे निकल के 10 लाख रुपए कवर में पकड़ के वहां से निकल गए। ये फयाज बोल के एक बंदा है। ये फयाज लोकल में इन लोगों को आर्नामेंट्स देके ऐसा आ रहे ऑफेंस करना है। ये सिलसिले में ये आमिर खान जो है वो बच्चा जब निकला वहां से नारायणपेट से फिर बस में महबूबनगर बस डिपो में चेंज होते टाइम पे ये सीट में ये जगह पे उन्होंने बैठा है ये ड्रेस पहना बोल के इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद में पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेके ये आमिर खान जो है आरमगढ़ चौरस्ता में टहल के हैं उनको उस पीछे से बोलते जाना ऐसा यहाँ तक पहुँच गए। वो फिर बाद में ये आमिर खान जो है ये लोग जो पैसेंजर उतर जाते हैं अपना आरमगढ़ चौरस्ता में बहुत लोग उतर जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट से आने वाले हैं उसके बाद में आगे जाने के बाद ये ऑफेंस को वहां पर जरा आइसोलेटेड प्लेस है कोई लोगों का मूवमेंट नहीं रहता है लेफ्ट साइड पे वहां काम चल रहा है पूरा। इस बीच में ये लोग बस को अटकाए पहला तो ये जो इफू बोल के इमरान बच्ची का मामला है बोल के अंदर घुस के वो बच्ची का मामला बोले तो कुछ किडनैप है कुछ देखते हो वैसा उसका कृष्णा बोल के एक मैलाडेवरमपल्ली काटदान एरिया का रहने वाले हैं वो प्लाईवुड बिजनेस करते हैं। ये प्लाईवुड बिजनेस में ये उसका भाई एक धर्मेश बोल के अपना मंगलाट एरिया में रहता है वहां से एक 25 लाख मेरा भाई देता आप लेके आना बोल के बोले। ये शाहनवाज बोल के बंदा 3 साल से वो लोगों के काम कर रहे अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे वो लोगों को एक ट्रस्ट बिलीफ हो गया अरे कभी भी बहुत बार लायक है उसका नियत खराब हो गया। वो 25 लाख लेके शाम में 5 बजे को गया पैसे ले लिया 5:30 बजे बंद कर दिए फोन बंद करके चले गए। ये 17 तारीख के दिन हुआ। उसके बाद में हम टीम्स डिस्पैच करे एक हथियार जिला बिहार स्टेट के है ये शाहनवाज और उसका रूम मालूम हो गया। कल पूरा वो सर्च करे तो रूम में अपने 15 लाख रुपए यहीं पर रखे गया बाकी जो 10 लाख रुपए और आदमी को पकड़ने का है अभी वो भी काम जल्दी में हो जाएगा। ये 2 केसेस में CCS टीम और स्पेशल ऑपरेशन ये हमारा राजेंद्र नगर ये तो राजेंद्र नगर DA राजेंद्र और मधु ये 25 लाख का केस में अच्छा मेहनत करके डिटेक्ट करे अभी सब जो काम करे अच्छा काम करे वो लोगों को रिवार्ड भी दीजिए। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही इजाजत दें। मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज़।